योगी सरकार की मंशा के अनुसार प्रदेश में नकलविहीन परीक्षा कराने के लिए प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। शुक्रवार को सुबह की पाली में हाईस्कूल का अंग्रेजी का पेपर था, तो दूसरी पाली में इंटरमीडिएट का गणित का पेपर था। हमने मथुरा के कई स्कूलों का जायजा लिया और परीक्षा का हाल जाना, जिसमें सबसे बड़ी बात ये सामने आई कि अब तक मथुरा जनपद में सख्ती के चलते 13,379 बच्चे परीक्षाओं में अनुपस्थित रहे, जिसका कारण बच्चों में नकलविहीन परीक्षाओं के चलते फेल होने का भय बताया जा रहा है। एक इंटर कॉलेज के प्रधान अध्यापक मुकेश सिंह ने चल रही परीक्षाओं की जानकारी दी और बताया कि यहां परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से और नकलविहीन तरीके से कराने के लिए सीसीटीवी कैमरों का भी प्रयोग किया जा रहा है, जिन पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट डॉक्टर उत्तम सिंह द्वारा नजर रखी जा रही है। आज इंटरनेट का पेपर है। कैसी किस हिसाब से चल रही है, मतलब परीक्षा पूर्ण शांति रूप से हो रही है? अच्छा, तो पूरे सीसीटीवी कैमरा की निगरानी परीक्षा हो रही है। बच्चे जो एब्सेंट हो रहे हैं, इसका मुख्य कारण क्या समझते हैं? बच्चे एब्सेंट होने का मुख्य कारण है, कुछ तो कमजोर बच्चे हैं और इधर नकल नहीं हो रही है। शासन की मंशा भी है नकल नहीं होनी चाहिए, तो बच्चे परीक्षा छोड़ रहे हैं बीच में नकल के वैसे। साथ ही स्टैटिक मजिस्ट्रेट ने अनुपस्थित रहे बच्चों की जानकारी मंच न्यूज को दी। मजिस्ट्रेट साहब, आज जो है किसके एग्जाम रहे हैं? पर इंटर मैथ का पेपर चल रहा है। कितने बच्चे एब्सेंट हैं? 8 बच्चे शायद एब्सेंट हैं। अच्छा, क्या कारण रहा है एब्सेंट होने बच्चों का? पेपर को नकलविहीन पेपर कराया जा रहा है, जिसके दबाव की वजह से जो कुछ कमजोर बच्चे हैं वो नहीं आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे परीक्षा किस हिसाब से चल रही है? परीक्षा नंबर उसमें चल रही है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। सीसीटीवी कैमरा लगे हैं पूरे 3 आवर 15 मिनट कंटिन्यू सीसीटीवी चलते रहते हैं और रेगुलर मॉनिटरिंग हो रही है। मैं खुद उपस्थित रहता हूँ, इसलिए बिल्कुल निकल भी नहीं परीक्षा।